ओके सो हाय गाइस, वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम में किसी भी क्रिएटर कोई भी फोटो पसंद आता है तो गाइस आप लोग मेरे को उसके कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट मेंशन कर देना, या फिर आप मेरे को मैसेज करके बोल देना कि भाई हमें इसका ट्यूटोरियल चाहिए, मैं आप सभी के लिए इसका ट्यूटोरियल ला कर हाजिर हो जाऊंगा। तो गाइस आप लोग एक बस कमेंट कर देना। एंड बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना गाइस, आप लोगों को जो अपनी फोटो को जो है पहले पिक्सआर्ट में ओपन करना है, देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक कैट का पीएनजी, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना, आपको जब कैट का जो पीएनजी आप जब उसको ऐड करोगे तो गाइस आपको कुछ इस टाइप से जो है आपको अपने शोल्डर के पास इसको रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ से जाना है, मतलब यहाँ से पहले ओपेसिटी कम करनी है, एंड आपको चेक करना है कि जो आपकी जो फोटो है वो वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से एडजस्ट हुई है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको एडजस्ट में जाके आपको यहाँ पे चेक करें, मतलब कि जो इसकी ब्राइटनेस वगैरह आपको यहाँ अपने हिसाब से रख लेनी है, एंड ओपेसिटी कम कर लेना है। एंड उसके बाद जाना आपको इरेजर टूल में, यहाँ से हम इरेजर टूल में जाएंगे, एंड यहाँ पे जो है इरेजर की हार्डनेस को फुल कर लेंगे, एंड यहाँ से हम इरेजर नीचे से हम फटाफट से इसको इरेज कर लेंगे। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे, मतलब अभी डन नहीं करना, आपको जाना ऐड फोटो में, जहाँ से ऐड करना आपको एक ब्लैक कलर की शीट, एंड आपको इरेजर टूल में जाकर आपको इन्वर्ट करके ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको इस तरीके से आपको जो एक पेंट करना है, एंड उसके बाद आपको डन कर देना है, एंड जो कि ओपोसिटी यहाँ पर आपको कम कर देना है, फिर जो साइज वाइज को इंक्रीज करके कुछ स्टेप से रख देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर इतना कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डन। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना गाइस दोबारा ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक आई पीएनजी, ठीक है, आई का एक पीएनजी है, तो आपको उसको ऐड करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन रखना है, एंड जो ये कैट है हमारी जो इसके आई के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से इसको रखना है, लगाना है, मतलब इससे क्या है जो है मतलब कि लाइट, मतलब जो आई है हमारी ये थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी, एंड ये जो है इससे हमारी जो कैट है वो थोड़ी सी मतलब कि हॉरर टाइप की लगेगी, तो इसलिए आपको ऐसे मतलब ये पीएनजी लगाना है। तो हम इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, एंड यहाँ पर इतना परफेक्ट है। आप क्या करेंगे गाइस, हम इसको हम सिंपली यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से साइज रख लेंगे, एंड इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस देखिए, हम जो है यहाँ पे डन कर लेते हैं फोटो को, एंड उसके बाद आपको जाना अगेन ऐड फोटो में, गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को लाइट का पीएनजी, एंड यहाँ पे गाइस आपको उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना पहले तो, एंड उसके बाद आपको जाना से ह्यू एडजस्ट में, देन आपको जाना ह्यू में, एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको जो है रेड कलर ढूंढना है, तो गाइस वो आपको ऊपर की तरफ नहीं आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ अराउंड ले आना है 74 माइनस पे, एंड उसके बाद आपको डन कर देना है। एंड जो आपको ये जो कैट है आपको उसको सिंपली अपनी उसकी कैट की आई के ऊपर लगाना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड मतलब गाइस की मतलब अगर स्क्रीन में तो मतलब इतना खास लग नहीं रहा है ये, है ना, तो मैंने सोचा है कि ना मतलब कि हम इसको ना रखते हैं ओवरले, तो पहले हम इसको यहाँ पे आई की तरफ लगा लेते हैं दोनों को, एंड उसके बाद जो मैं बताता हूँ आपको फिर क्या करना है। तो अभी हम इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा लेते हैं, एंड यहाँ पे गाइस जो हमारी जो कैट है काफ़ी हॉरर लग रही है, ठीक है, डरावनी सी, तो अब क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इसको रख लेंगे ओवरले। तो बस ओवरले में काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी कैट, तो अभी इसको हम पहले मूव डाउन करके दूसरे वाले पीएनजी को सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं ओवरले। एंड गाइस अब देखिएगा इस कितनी हॉरर लग रही है हमारी कैट यहाँ पे, तो अब इसको हम सिंपली डन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इतना गाइस परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना है गाइस, आप लोगों को ऐड फोटो में जाना है, एंड गाइस अब मेरे को नहीं लगता आपको कोई पीएनजी ऐड करने की ज़रूरत है, तो अभी हम यहाँ पे इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इसको, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फोटो लग रही है, तो क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा, एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस इसको हम यहाँ पे सिंपली डन कर लेंगे। अब क्या करना है गाइस, आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव करना है, एंड इसको यहाँ से लेके चलना है लाइटरूम मैप में। लाइटरूम मैप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट आपको इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है, एंड जो हाईलाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है, एंड जो शेडो है इसको भी यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। फिर नीचे मिलेगा आपको वाइट, आपको जो वाइट है इसको कम करना है, जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ करना है। फिर जाना आपको कलर्स में, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन को बढ़ाना है, एंड जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा यहाँ पे कम कर देना है। फिर आपको जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है उसको बढ़ा देना है, एंड रेड कलर है जो इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर देना है। एंड इसके बाद जाना आपको येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस करना है, यहाँ के बाद जितने भी कलर है सबका सैचुरेशन आपको माइनस करना है। सो यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर हम सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको यहाँ पर जाना है इस फ्लिप टूल में, आपको यहाँ पर इसका करना है आपको शेडो को क्लिक करके आपको यहाँ पर सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करना है। एंड जो इसका जो ह्यू है आपको उसको रखना है येलो टोन में। फिर जो है गाइस यहाँ पे हाईलाइट हमारा, इसको भी हम थोड़ा सा सेचुरेशन प्लस करेंगे। एंड जो है यहाँ पे ह्यू को भी रखेंगे हम यहीं पे ऑरेंज टोन में, सॉरी येलो टोन में। फिर आपको करना है आपको इस कलर्स के नीचे वाले टूल में जाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज़ करना है, जो फोटो में बिगिनेट है वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, तो आप हम स्क्रॉल कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है। एंड देन आपको यहाँ से नीचे वाले टूल में आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो नोड ऑप्शन है वो डालना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे एकदम कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आपको देखता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्ट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ और आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो तो गाइस इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करो। एंड गाइस कोई भी एक वीडियो को वॉच करो, या फिर अगर आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करके वहाँ पर सिंपली जाकर आप वीडियो को कोई भी देख सकते हो। तो बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।